देखिए, प्रदेश सरकार जो पुलिस पेपर लीक है उसको दबाना चाह रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई को केस सौंपने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ये केस अपने अधीन नहीं लिया है। और एसआईटी ज़रूर गठित हुई है, लेकिन एसआईटी भी लिपापोती कर रही है और एसआईटी के माध्यम से ये क्लोजर रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं ताकि इस मामले को दबाया जा सके। और प्रदेश सरकार की और प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऐसी क्या मंशा है जो इस केस को दबाना चाह रहे हैं? और सरासर ये हिमाचल प्रदेश की जनता और लाखों युवाओं से घोर अन्याय है। इस तरह से इस केस को आम आदमी पार्टी दबने नहीं देगी। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ये बताएं, वो किन अधिकारियों और किन नेताओं को बचाना चाह रहे हैं? और लाखों रुपए पेपर लीक के मामले से एक छात्र से दिए गए और करोड़ों रुपए जो उन्होंने इकट्ठे किए, जो पेपर लीक के माध्यम से जिन लोगों ने इकट्ठे किए, वो किसकी जेब में गए, हमें पूछना चाहते हैं। और इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश के युवाओं का जो भविष्य है, जो अंधकार में डालने का काम प्रदेश सरकार ने किया है, तो वर्तमान समय में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता प्रदेश की जयराम सरकार के अंदर बचती है तो उन्हें तुरंत इस मामले को विशेष रूप से सीबीआई को सौंपना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो क्यों डर रहे हैं? सीबीआई को ये सही तरीके से मामला सौंपने से क्यों डर रहे हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा है। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक की जो बात कह रहे हैं वो गलत है, और ये सिर्फ दबाना चाह रहे हैं। और ये पेपर लीक जो है पुलिस मुख्यालय से लीक हुआ है, और उसके पीछे किसका षड्यंत्र है? इसके पीछे बहुत बड़े नेताओं का नाम, अगर ये सीबीआई को के सामने सौंपते हैं तो बड़े जो नेता है, जो अधिकारी है, वो इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं। तो हमारा प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको प्रायोरिटी पर सीबीआई को बुलाया जाना चाहिए और सीबीआई के अधीन इस केस को सौंपे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और प्रदेश के जो लाखों युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है वो प्रदेश की जनता खुद देखे। मेरे प्यारे बालो, फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम, जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं। कल तो करा था, आज क्या हो गया? कैंपस के आपके विधायक ने पिछले चार साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।